फ्रेंड्स, क्लास सेवेंथ के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने एलसीएम निकालने के अलग अलग मेथड्स देखे। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 13, जिसमें हम एलसीएम निकालेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फाइंड द एलसीएम। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है 12 और 15। सबसे पहले हम 12 और 15 के फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, और उसके बाद लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये कौन सा है वो निकालेंगे। 12 को हम 6 × 2 लिख सकते हैं, और उसके बाद 6 को 3 × 2 = 6 लिखकर आगे ये 2 कंटिन्यू लिखेंगे। ओके, तो 12 के फैक्टर्स क्या हुए, 3 × 2 × 2। अब 15 के फैक्टर्स लिखेंगे, 5 × 3 = 15। ओके, तो ये दोनों प्राइम नंबर्स आ चुके हैं, ये तीनों प्राइम नंबर्स आ चुके हैं। अब हमको क्या देखना है कि कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम्स कहाँ आया है, वो हमको लेना है। तो ये 2 देखिए, ये 2 कितनी बार आया है, 2 बार, 2 times, राइट। अब ये 3 यहाँ पर एक बार आया है, यहाँ पर एक बार आया है, मतलब मैक्सिमम कितनी बार आया है, वो एक ही बार आया है। ओके, 3 कितनी बार आया है, 1 बार, और 5 कितनी बार आया है, 1 बार, राइट। तो 2 बार 2 लेंगे और 1 1 बार 3 और 5 लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 5। 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, 30 × 2 = 60, राइट। तो एलसीएम हमारा आया है 60। ओके, नाउ नेक्स्ट 6, 8 एंड 10। तो 6 के फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स ऑफ 6, 3 × 2। ओके, 8 के फैक्टर्स क्या है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, दैट मींस 3 times अगर हम 2 लेंगे तो 8 आता है, तो 2 × 2 × 2, ये है 8 के फैक्टर्स। 10 के फैक्टर्स क्या है, 5 × 2, 5 × 2 = 10, राइट। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल चुके हैं। अब देखिए मैक्सिमम टाइम्स जो नंबर आया है वो हमको लेना है, तो 2 यहाँ पर 3 times आया है, तो एलसीएम में हम 3 times 2 लेंगे। ओके, अब 3 यहाँ पर एक बार आया है और 5 यहाँ पर एक बार आया है, 1 बार 3 और 1 बार 5 हमने लिया, तो अब ये कितना आया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40, 40 × 3 = 120। ओके, तो ये हमारा एलसीएम का आंसर आया है 120। ओके, 18, 32, 9 × 2 = 18, और 9 को हम लिखेंगे 3 × 3 = 9 × 2, राइट। अब 32 के फैक्टर्स क्या है, ये हमने काफी बार किया है तो इसका हमको पता होना चाहिए। 5 times 2 अगर किया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। ओके, तो 32 के फैक्टर्स है 5 times 2। मैक्सिमम टाइम्स एक नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो वो हम लेते हैं, तो 2 तो 5 times लेंगे, राइट। अब 3 यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो 2 बार 3 लेंगे, तो ये तो 32 आता है, 32 × 9 करेंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो आंसर आता है 288। ओके, तो दिस इज आवर एलसीएम 10, 15 एंड 20। तो इसको हम डिवीजन मेथड से करेंगे, 10, 15, 20। अब ये तीनों को डिवाइड कर सके ऐसा नंबर है 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, ये 3 जैसे कि वैसे नीचे लिखेंगे, और 2 × 2 = 4। ओके, तो यहाँ नीचे प्राइम नंबर्स आ चुके हैं, ये तो प्राइम नंबर्स ही हम लेते हैं। ओके, तो नीचे जब प्राइम नंबर्स आ जाए तो हमारा डिवीजन हमको स्टॉप करना पड़ेगा। ओके, तो एलसीएम क्या आता है, ये नंबर्स इंटू ये नंबर्स, तो ये आएगा 5 × 2 × 3 × 2, 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 30, 30 × 2 = 60, ये एलसीएम आता है 60। ओके, 45, 86। अब हम 45 के फैक्टर्स पहले लिखेंगे, 9 × 5 = 45 होता है, तो 9 को लिखेंगे 3 × 3 × 5। ओके, और 86 के फैक्टर्स लिखेंगे, 86 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 43
इंटू टू। ओके, तो 43 इज अ प्राइम नंबर, तो इसके आगे डिवीजन नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, दोनों के फैक्टर्स जब हम देखते हैं तो कोई भी कॉमन फैक्टर हमको नहीं दिख रहा है। जब ऐसे होता है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो जो आंसर आता है वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर है वही आता है। तो देखिए करके देखते हैं, ये सभी नंबर्स हमको लेना पड़ेगा, 3 × 3 × 5 × 43 × 2, राइट। तो ये 3 × 3 × 5 मतलब क्या है, 45 है। 43 × 2 क्या है, 86 है। तो हमारा आंसर जो आएगा वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर है वही आएगा। ओके, तो ये बात याद रखिए कि जब आपको कोई दो नंबर्स दिए हैं जिनका आपको एलसीएम निकालना है और उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जब आप फैक्टराइजेशन करते हो तो कोई भी कॉमन फैक्टर अगर नहीं निकलता है तो आपका एलसीएम का जो आंसर रहेगा वो उन दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के जितना ही रहेगा। ओके, तो अब इनका मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर है वो आएगा 3870। तो एलसीएम इज इक्वल टू 3870। ओके, अब ये तीनों नंबर्स देखिए, 15, 30 और 90। 15 के टेबल में भी 90 आता है, राइट, 15 × 6 = 90। 30 के टेबल में भी 90 आता है, 33 = 90, राइट। तो जब ऐसे नंबर्स होते हैं कि जो बड़ा नंबर है वो बचे हुए दोनों नंबर्स के टेबल में आता है। ओके, तो अगर ऐसे नंबर्स आपको दिए जाए जिनका आपको एलसीएम निकालना है तो वो बड़ा नंबर ही हमारा एलसीएम का आंसर होता है। ओके, तो इन तीनों का एलसीएम होगा 90, फिर भी हम करके देखते हैं। ओके, तो इन तीनों का कॉमन डिवाइजर कौन सा है, 5। 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30 एंड यहाँ आता है 18। ओके, अब ये तीनों नंबर्स 3 से डिविजिबल है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18। अब ये 2 से डिविजिबल है, ये 1 नीचे ऐसे ही ले लेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो यहाँ 3 आ गया है और यहाँ पे भी ये तो प्राइम नंबर्स है ही, तो अब हमारा एलसीएम क्या आएगा, 5 × 3 × 2 × 3, राइट। तो 3 × 3 = 9, ये देखिए 5 × 2 = 10, 3 × 3 = 9 और 10 × 9 अगर किया तो क्या आएगा, 90। तो हमारा एलसीएम क्या आता है, 90। तो अब ये बात याद रखिए कि अगर दो नंबर्स के टेबल में ये तीसरा नंबर आ रहा है, इसके भी टेबल में आ रहा है, इसके भी टेबल में आ रहा है, तो ये जो नंबर होता है वही हमारा एलसीएम होता है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए 105, 195, तो दोनों के कॉमन डिवाइजर कौन सा है, 5। 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 9 = 45। अब ये दोनों को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 × 7 = 21, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। अब ये देखिए ये दोनों प्राइम नंबर्स आ गए हैं, दोनों जगह प्राइम नंबर्स आ गए हैं, तो अब हमको डिवीजन स्टॉप करना पड़ेगा और एलसीएम का आंसर आएगा इनका और इनका मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो एलसीएम इज इक्वल टू 5 × 3 × 7 × 13, तो इनका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो इनका जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आंसर आता है 1365। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज 12, 15 और 45। ये तीनों नंबर्स 3 से डिविजिबल है, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 एंड 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 2 × 2 = 4, ये 5 और 15 जैसे कि वैसे नीचे ले लेंगे। ओके, अब 5 ये 2 जैसे कि वैसे नीचे ले लेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15। ओके, तो यहाँ पर प्राइम नंबर्स आ चुके हैं और इनका अब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, 3 × 2 × 5 × 2 × 3, 180। ओके, इनका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर आता है 180, तो एलसीएम आया 180। ओके, 63 और 81। अब
फिर से इनके फैक्टर्स निकालेंगे। आप कोई भी मेथड यहाँ यूज कर सकते हो। 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, फिर से 3 7 21, 3 9 27। अब फिर से 3, ये 7 जैसे कि वैसे नीचे लिखेंगे, 3 3 9। ओके, तो यहाँ पर प्राइम नंबर्स आ चुके हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो LCM इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 3 × 7। 3 3 9, 3 27, 3 81, और 81 × 7 आपको करना है। 81 × 7 तो हमारा आंसर आता है 567। ओके, 18 36 and 27, 18 36 and 27, ऑल दीज थ्री नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ओके, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 6 are 18, 3 1 are 3, 3 2 are 6, और 3 9 are 27। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 are 6, 3 4 are 12, और 3 3 are 9। अब 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 are 2, 2 2 are 4, एंड 3 जैसे कि वैसे नीचे ले लेंगे। अब यहाँ पर प्राइम नंबर्स आ गए हैं, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो LCM क्या आएगा? LCM इज इक्वल टू 3 × 3 × 2, ये तीनों नंबर्स, और × 2 × 3, तो ये आता है 108। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। नीचे दिए हुए जो नंबर्स है उनका LCM और HCF दोनों आपको फाइंड आउट करना है, एंड वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। और हमको वेरीफाई करना है कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट आता है वो जो नंबर्स आपको दिए हैं उनके प्रोडक्ट के जितना होता है। ये रूल अभी लास्ट वीडियो में हमने सीखा है कि जो आपको दो नंबर्स दिए हैं उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू देयर LCM इंटू HCF। ओके, यही रूल हमको वेरीफाई करना है। तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज 32 and 37। ओके, अब देखिए ये नंबर्स जो दिए हैं आपको, ये नंबर तो कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन ये 37 ये है प्राइम नंबर। तो ये दोनों नंबर्स जो है वो क्या है? को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर है मतलब क्या कि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जब आपको दो नंबर्स दिए हो और उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो तो उनका HCF क्या आता है? HCF इज इक्वल टू 1। When the two given numbers are co-prime numbers, then their HCF is 1. Okay? और उनका LCM क्या होता है? LCM is equal to इन दोनों का multiplication जो होता है वही उनका LCM होता है। LCM is equal to 32 × 37। Okay? मैं आपको LCM निकाल के बताती हूँ। Okay? तो LCM हम निकालेंगे। Factors of 32 क्या है? 5 × 2, राइट? और फैक्टर्स ऑफ 37 क्या है? सिर्फ 37, राइट? क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये और किसी के भी टेबल में नहीं आता है। तो LCM क्या आएगा? इन सब का मल्टीप्लीकेशन इंटू 37, राइट? तो दैट मीन्स 32 × 37 यही इनका LCM आता है। तो LCM इज इक्वल टू 32 × 37, राइट? इनके मल्टीप्लीकेशन का आंसर आता है 1184। ओके, तो ये हुआ LCM, और HCF क्या है इनका? 1। तो अब देखिए हमारा रूल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आता है? 32 × 37 इज इक्वल टू 1184, एंड LCM इंटू HCF क्या आता है? 1184 × 1, दैट मीन्स 1184, राइट? अगर 1184 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा ना, 1184। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये वेरीफाई हो चुका है। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF इज वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो चुका है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 46,
51. ओके, अब इनके भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स पहले लिखेंगे. 46 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 23 × 2, राइट. 23 × 2 = 46 आता है. और 51 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 17 × 3. ओके, तो अब देखिए इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर है क्या, यहाँ और यहाँ अगर फैक्टर्स को देखते हैं तो कोई भी हमको कॉमन फैक्टर नहीं दिखता है. देयरफॉर HCF क्या आएगा, देयर इज नो कॉमन फैक्टर, देयरफॉर HCF = 1. ओके, और LCM क्या आता है, LCM = ये सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, राइट. 23 × 2 × 17 × 3, इसका मतलब ही क्या है, ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन. जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन ही LCM होता है. ओके, तो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, ये आता है 2346. ओके, तो अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, 46 × 51 = 2346 एंड LCM × HCF = 2346 × 1, दैट मीन्स 2346. तो नीचे हम आंसर लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM × HCF इज वेरीफाइड. 15 और 60, तो 15 के फैक्टर्स क्या है, 5 × 3 = 15, और 60 के फैक्टर्स क्या है, 15 × 4 = 60 आता है, राइट. तो 15 को लिखेंगे 5 × 3 = 15 और 4 को लिखेंगे 2 × 2 = 4. ओके, तो HCF क्या आएगा, 5 × 3 = 5 दीज आर कॉमन फैक्टर्स. तो HCF आएगा 5 × 3, दैट मीन्स 15. और LCM क्या आएगा, ये 5 और 3 तो लेंगे ही और 2 और 2 भी लेंगे, 5 × 3 × 2 × 2. तो 5 × 3 = 15, 4 = 60, तो LCM आता है 60, राइट. HCF आता है 15 और LCM आता है 60. तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, 15 × 60, राइट, 900. और LCM × HCF क्या आता है, ये भी आता है 15 × 60, तो 900. तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM × HCF, दिस रूल इज वेरीफाइड. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 18 और 63. अब 18 के फैक्टर्स देखिए, 9 × 2 = 18, तो 9 को लिखेंगे 3 × 3 × 2, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 18. ओके, और 63 के फैक्टर क्या क्या है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 21 × 3, और 21 को डिवाइड करेंगे फिर से तो क्या आएगा, 7 × 3 = 21 × 3. तो 63 के फैक्टर है 7 × 3 × 3 और 18 के फैक्टर्स है 3 × 3 × 2. ओके, तो अब कॉमन फैक्टर को हम अंडरलाइन करेंगे, कॉमन फैक्टर्स 3 और 3. ओके, तो HCF क्या आएगा, 3 × 3, दैट मीन्स 9. ओके, HCF आता है 9. और LCM क्या आता है, ये कॉमन फैक्टर्स तो हम लेंगे ही और जो अनकॉमन फैक्टर्स है ये 7 और ये 2, ये भी हम लेंगे, 2 × 7. ओके, तो क्या आएगा, 7 × 2 = 14, 14 × 9 = 126. अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 18 × 63. तो 18 × 63 जब हम करते हैं तो आंसर आता है 1134. ओके, अब हम करेंगे LCM × HCF, तो वो आएगा 126 × 9. देखिए LCM × HCF किया तो भी क्या आता है, 1134. Therefore, the product of two numbers is equal to LCM × HCF is verified. Okay? 78 और 104. अब इनके फैक्टर्स हम निकालेंगे. 78 के फैक्टर्स, ये 13 के टेबल में आता है, 13 × 6 = 78, और 6 को हम फिर से क्या लिखेंगे, 13 × 2 × 3. ओके,
और ये फिर से ये भी 13 के टेबल में आता है, 104 is equal to 13 8s are 13 into 8, तो 8 को हम लिखेंगे 13 into 2 into 2 into 2, okay? So these are the factors of 78 and 104. तो अब common factors को underline करेंगे, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, और कोई भी common factor नहीं है. तो HCF क्या आएगा? HCF is equal to common, जो common factors है उनका multiplication. That means 13 into 2, right? तो ये आता है 26, okay? और LCM क्या आएगा? देखिए, यहाँ पर 2 3 times आया है, तो हम 3 times 2 लेंगे. Maximum जो आया है वो लेना है ना हमको, तो 3 times 2 लेंगे. 3 यहाँ एक बार आया है, तो एक बार 3 लेंगे. और 13 यहाँ एक एक बार ही आया है, तो 13 भी एक बार लेंगे. तो क्या आता है? 13 into 3 into 2 into 2 into 2, तो ये आता है 312. तो LCM आता है 312, ओके? अब हम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, 104 into 78, तो ये करके देखेंगे हम यहाँ पर. 104 into 78, तो ये आंसर आता है 8112, ओके? और अब हम करेंगे LCM into HCF, तो 312 into 26, तो ये जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये भी आता है 8112. तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM into HCF इज वेरीफाइड, ओके? तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 13. तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा. अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में.